इसी बीच बड़ी खबर आपको दे दी, कासगंज की ही बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, जहां कोहराम एक बार फिर से मच गया है। यूपी के गृह मंत्रालय ने माना है कि अधिकारियों की गलती हुई है, अधिकारियों की लापरवाही के चलते ये पूरी स्थिति बिगड़ी है, ये यूपी के गृह मंत्रालय की ओर से माना गया है, इसके संकेत मिले हैं। साथ ही एहतियातन कासगंज से आने जाने वाले रास्तों को सील किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर कासगंज से आपको दे रखे हैं, तिरंगा यात्रा के दौरान हिंसा का ये पूरा मामला रहा, जिसमें शुक्रवार को एक व्यक्ति की जान गई, जिसके बाद एक बार फिर से तनाव का माहौल बन गया है। कई रास्ते ऐसे हैं जिनको डाइवर्ट किया गया है, कई रास्तों को सील भी एहतियातन किया गया है। खास बात यह है कि गृह मंत्रालय ने ये बात मानी है कि अधिकारियों की लापरवाही रही, जिसके चलते ये पूरी स्थिति बिगड़ी। मामले में बड़ी खबर यह भी है कि कासगंज के डीएम और एसएसपी पे इस मामले की गाज गिर सकती है, उनको कभी भी हटाया जा सकता है। साथ ही आसपास के जिलों का पुलिस बल भी मौके पर बुलाया गया है, इस स्थिति पर काबू पाने के लिए पुलिस बल की तैनाती की गई है, कर्फ्यू लगाया गया है, धारा 144 लागू की गई है। तो शुक्रवार का पूरा मामला रहा, तिरंगा यात्रा के दौरान दो समुदाय आपस में भिड़े, फायरिंग के चलते एक व्यक्ति की जान गई, दो घायल हुए, कुछ लोगों को मामूली चोटें भी आई, तो पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। साथ ही एक बार फिर से माहौल बिगड़ता नजर आ रहा है, गृह मंत्रालय ने स्वीकार किया है अधिकारियों की लापरवाही रही, और लापरवाही हुई चूंकि तो एक्शन भी लिया जा सकता है। कासगंज के डीएम और एसएसपी को किसी भी वक्त हटाया जा सकता है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अमित पांडे हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं। अमित, क्या अपडेट है फिलहाल इस हिंसा को लेकर, तनाव को लेकर? जी ज्योति, देखिए बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि कासगंज के पूरे शहर में एक तरफ से कर्फ्यू लगाया और दूसरी तरफ धारा 144 लागू होने के बाद भी जनपद में कई जगह हिंसा बढ़ती जा रही है और कई जगह स्थिति पर काबू किया जा चुका है, लेकिन कई जगह अभी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। जी ज्योति। जी अमित, जब धारा 144 लागू की गई थी तो लोग इकट्ठा कैसे हुए? देखिए बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही है, जिसको लेकर गृह मंत्रालय ने खिंचाव किया हुआ है। और देखने वाली बात यह है कि कासगंज के डीएम और एसपी पर किसी भी समय गाज गिर सकती है, इनको हटाया जा सकता है, क्योंकि इन्हीं के कारणों की वजह से ये कर्फ्यू और ये आए दिन ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। कितने रास्तों को सील किया गया है और कितने ऐसे रास्ते रहे जिनको डाइवर्ट किया गया? जी देखिए बिल्कुल बताना चाहूंगा, कासगंज से लिंक रोड को डाइवर्ट किया जा चुका है और शहर में कई ऐसी सड़कें हैं आने जाने वाली, जिनको बिल्कुल पूर्ण रूप से बाधित कर दिया जा चुका है, ताकि किसी भी तरह की कोई हिंसा ना बढ़ गए। जी ज्योति। जी अमित, फिलहाल आप किस तरह की तस्वीर देख पा रहे हैं, जब धारा 144 लागू है, कर्फ्यू भी घोषित किया गया है, फिलहाल क्या स्थिति है? बिल्कुल देखिए बताना चाहूंगा, इस समय यहाँ की जो स्थिति है वो बिल्कुल एक तरफ शांतपूर्ण नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कई कस्बों में जो स्थिति है वो तनावपूर्ण हो जाती है, जिसको लेकर अब पुलिस प्रशासन लापरवाही नहीं बरत रहा है। जी ज्योति। जी अमित, तो शुक्रवार का पूरा मामला रहा दोनों समुदायों का, पुलिस के हाथ अभी तक क्या लगा कि शुरुआती कारण किस तरह के रहे? जी देखिए बिल्कुल बताना चाहूंगा, पुलिस ने कई लोगों को इस मामले में उठाया, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ इन चीजों से बिल्कुल खाली नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कई जगहों पर पुलिस ने लोगों को उठाया और पूछताछ भी की, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लग पाया। जी जी अमित, सीएम की ओर से घोषणा भी की गई मुआवजा राशि को लेकर मृतकों के परिजनों के लिए। अमित जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा सीएम ने इस पर ट्वीट भी किया है और मुख्यमंत्री जी ने परिजन को 5 लाख रुपए की मुआवजा और एक युवक को नौकरी देने का भी वादा किया है। जी जी अभी तो इस मामले में राजनीति भी होनी है, अभी गुंजाइश है, जिस तरह से मामला पूरा भड़कता नजर आ रहा है, तनाव की स्थिति है? जी बिल्कुल, देखिए बताना चाहूंगा, प्रशासन तो एक तरफ शक्ति बरते हुए है और दूसरी तरफ वही विपक्ष के लोग भी सीना तान कर सामने खड़े हैं, और देखने वाली बात यह है कि अभी तो फिलहाल में पुलिस प्रशासन और आला अधिकारियों की मदद से स्थिति को संभालने का प्रयास किया जा रहा है। जी जी, साथ ही बाकी जिलों के आसपास के जिलों का पुलिस बल मंगाया गया है। अमित, कितनी संख्या में पुलिस आप देख पा रहे हैं सड़कों पे? जी देखिए बिल्कुल, इस समय आपको बताना चाहूंगा, हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी हाथ में लाठी और एक तरफ बंदूक लेकर खड़े हुए हैं, जिससे कि कहीं किसी भी तरह की कोई आत्मघाती हमला या हिंसा ना हो। जी ज्योति, बहुत शुक्रिया अमित आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो शुक्रवार का ये पूरा मामला रहा,
जिसमें तिरंगा यात्रा के दौरान जब भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे थे, वंदे मातरम के जयकारे लगाए जा रहे थे, उसी वक्त ये आरोप है कि मुस्लिम बाहुल्य इलाके में जब ये तिरंगा यात्रा पहुंची तो किसी शख्स की ओर से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, जिसके बाद ये पूरा मामला तूल पकड़ता नजर आया। दोनों समुदाय आमने सामने आ गए, फायरिंग हुई, आगजनी हुई, तोड़फोड़ की गई, पथराव किया गया और उसी फायरिंग में एक समुदाय के शख्स की जान चली गई, चंदन नाम के एक शख्स की जान गई है। उसके बाद भी हंगामा बढ़ता नजर आया। मृतकों के परिजनों की ओर से साफ किया गया कि जब तक मुआवजा राशि घोषित नहीं की जाती, जब तक सरकारी नौकरी का आश्वासन नहीं दिया जाता, तब तक शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। तो शव को लेकर भी धरना किया गया, सांसद को भी इस धरने में बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसके बाद सूबे के मुखिया घोषणा करते हैं 5 लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने की घोषणा की जाती है और जो मृतक रहा उसके परिजनों में से एक सरकारी नौकरी दिए जाने का आश्वासन भी दिया जाता है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, ये कासगंज के तनाव को आपको समझाएंगे कि किस तरह की स्थिति वहां बरकरार है। चलिए इस मामले को लेकर कासगंज के एडीजीपी क्या कहते हैं वो एक बार सुनिए। तो एडीजीपी का बयान भी सामने आया है, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की ओर से बयान दिया गया है इस पूरे मामले को लेकर। स्थिति काबू में है, फोर्स तैनात किए गए हैं। हालांकि स्थिति काबू में नजर नहीं आती, लेकिन एडीजी की ओर से कहा गया कि स्थिति काबू में है। आईजी अलीगढ़ पहले से तैनात हैं, एडीजी को तैनात किया गया है, पुलिस बल भारी संख्या में तैनात हैं, ये बात कही गई एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अनंत कुमार की ओर से। व्यवस्था बहाल किए जाने की पूरी कोशिशें हैं, शांति व्यवस्था कायम हो सके उसकी पूरी कोशिशें हैं। घटना आज करने का प्रयास किया गया, जो चंदन नाम का लड़का था जिसकी कल दुखद मृत्यु हो गई थी, उसका आज क्रिमेशन हुआ सुबह। और क्रिमेशन से लौटते वक्त कुछ ऐसे तत्व थे, शरारती तत्व, जिन्होंने आउटस्कर्ट्स पे एक गुमटी थी उस पर आग लगाने का प्रयास किया। एक दो दुकानें जूतों की थी उस पर प्रयास किया गया। पुलिस वहाँ मौके पर पहुँच गई, आग को बुझा दिया गया और जो लड़के शरारती तत्व थे कुछ को पकड़ लिया गया, कुछ बाकियों को पकड़ लिया गया है। इस समय हमारा प्राथमिक उद्देश्य यह है कि वहाँ पर शांति व्यवस्था बहाल रहने के साथ साथ लोगों में भाईचारा कायम। तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए आग जिस तरह से लगाई गई है, पूरी स्थिति कायम में होने के दावे भले ही एडीजी कर ले, लेकिन स्थिति कितनी बहाल की गई है, शांति कितनी कायम है, वो आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे हैं, पुलिस बल तैनात है, भारी संख्या में भीड़ सड़कों पर है। दुकान को आग लगाई गई है, इससे पहले भी दुकानों को आग लगाए जाने का मामला सामने आया था। शुक्रवार से इस मामले की शुरुआत हुई, तिरंगा यात्रा रही और जैसे ही मुस्लिम बहुल इलाके में आप बस को भी देख सकते हैं, बस को आग के हवाले कर दिया गया है, निजी ये बस रही जिसे आग के हवाले किया गया है। सिस्टम की कोशिशें हैं कि स्थिति काबू में आ जाए, लेकिन स्थिति अब भी आउट ऑफ कंट्रोल है पूरी तरह से। जिस तरह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बस को आग के हवाले कर दिया गया है, आसपास की दुकानों में आग लगाई गई है, दमकल कर्मी आग पर काबू पाए जाने की कोशिशें कर रहे हैं, पुलिस बल मौके पर उपस्थित है। इसी बीच एडीजी को आपने सुना, जिनकी ओर से कहा गया कि स्थिति काबू में है। आईजी डीके ठाकुर को कासगंज भेजा गया है, आईजी अलीगढ़ पहले से उपस्थित है, व्यवस्था बहाल किए जाने की पूरी कोशिशें की जा रही है। तो रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी तैनात कर दिए गए हैं, पुलिस बल भी तैनात है, अभी इंतजार है तो स्थिति फिर से बहाल होने का। तो कासगंज से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रखी हैं, ये तस्वीरें डरा सकती हैं, जिस तरह से हिंसा भड़की हुई है, दूसरा दिन है हिंसा का और इसी बीच दुकानों को साथ ही इस खोखे को भी आग के हवाले किया गया है, इसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले भी आगजनी की गई थी, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें खबरें अभी तक आपको दिखा रहा है। आप अपनी टीवी स्क्रीन से कासगंज की फिलहाल की स्थिति को समझ सकती हैं कि स्थिति कितनी तनावपूर्ण है पूरी तरह से। सिस्टम भले ही दावे कर रहा है, पुलिस बल भले ही उपस्थित है, लेकिन जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, वो लगातार बरकरार है कासगंज में।